Assalamualaikum और गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम अल्बेनिया, जिस जगह पे हमें इसे कहते हैं तिपलिनी, एक छोटा सा गांव टाइप है, लेकिन मैं अभी जहाँ पे स्टे कर रहा हूँ वो हाईवे के साथ एक मोटल है जहाँ पे मैंने रूम वगैरह लिया था। और अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग देख लिया है तो आपको आइडिया होगा कि आज का व्लॉग होगा हमारा कि हम अल्बेनिया से किस रूट से निकल रहे हैं। और प्लान ये है कि आगे हम जो अभी की मेन डेस्टिनेशन है वो है मेरी तुर्की, लेकिन तुर्की पहुंचने के लिए मुझे 3-4 कंट्रीज़ जो है ना अनफॉर्चुनेटली इस रूट से क्रॉस करनी पड़ेंगी। तो सबसे अच्छी ऑप्शन जो है वो है मेरे पास नॉर्थ मैसेडोनिया की। अब नॉर्थ मैसेडोनिया का बॉर्डर यहाँ से जाने के लिए दो रूट लगते हैं। एक तो वही रूट है जो कल मैं लेके आया हूँ तिराना से, तो मींस मुझे वापस उसी बोरिंग रूट से जो पहले 170 किलोमीटर थे वो क्रॉस करके हाईवे, और उस पर मुझे लगेंगे 4.5 घंटे। दूसरा रूट यहाँ से जाता है बॉर्डर के साथ साथ, लेकिन वो माउंटेन्स में से जाता है। कुछ छोटी रोड्स हैं, कुछ ऑफ रोड सेक्शंस हैं, उस पर मुझे लग जाएंगे हो सकता है 7-8 घंटे। तो पहले तो मेरा प्लान था कि यार मैं वही रूट लेता हूँ तिराना वाला और जल्दी पहुँच जाऊँगा, लेकिन मैंने डिसाइड किया है कि मैं यहाँ पे कोई रेस लड़ने नहीं आया कि मैंने जल्दी जल्दी बॉर्डर पे पहुँचना है। मैं सफ़र एंजॉय करना चाहता हूँ और मुझे अल्बेनिया लिटरली बहुत पसंद आया, तो इसलिए मैंने सोचा है कि अगर मुझे अच्छा लग रहा होगा तो होपफुली आप लोगों को भी व्लॉग्स में अच्छा लग रहा होगा, तो इसलिए हम लेते हैं यहाँ से जो छोटा रूट है। अब और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो मैं बताना चाह रहा हूँ, लेकिन ये है कि अभी मैं यहाँ पर कर रहा हूँ अपना नाश्ता करते हैं, उसके बाद मैंने अपना सामान जो ऑलमोस्ट पैक कर दिया है। बाइक मेरी बाहर खड़ी है, शायद आप देख रहे होंगे इधर कहाँ गई, यहाँ पे करके है, ये है। तो इसको करते हैं तैयार और उसके बाद निकलते हैं, और अपने ख्यालात में जो ना जैसे जैसे हम जा रहे होंगे राइड कर रहे होंगे आपके साथ शेयर करता जाऊँगा। तो ये अपना नाश्ता आ गया, नाश्ता जो है ना लगता है अच्छा आया, कॉफ़ी ऑरेंज जूस और साथ में कुछ टोस्ट ये लोग लेके आए थे और इसमें हैम था तो वो मैंने वापस भेज दिया है। अब वो टोस्ट चेंज करके ला रहा है, होपफुली उसी टोस्ट में से हैम निकाल के ना ला के दे दे, नया बना के ला दे। उसने मुझे कहा तो है कि चेंज करके ला के देगा। ये है जी मेरा रूम, और इसके मैंने दिए हैं सिर्फ और सिर्फ 20 यूरो पर नाइट विद एयर कंडीशनिंग। और अभी मैंने अपना सामान उठाना है और नीचे लेके जाना है, जाके रंगीली के ऊपर लगाते हैं। और मैंने मोबाइल तो रख लिया था अपने पास, ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह खैर खरीय से आज का दिन भी गुजारना। इसमें तेल कम है, इसको लगता है फिल करा लेते हैं यहाँ से ही ना। साथ में लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं कार्ड से पे करूँ, से पूछता हूँ। हेलो माय फ्रेंड, यू स्पीक इंग्लिश? यस। कैन आई पे विद कार्ड? यस यस। वीज़ा वीज़ा फुल? ओके, फ्री में कर दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो हम लोग जी अपने रूट पे लग गए हैं। पहला जो मैंने एड्रेस दिया वो है यहाँ से 70 किलोमीटर दूर, और उस गांव से फिर आगे जाती हैं दो रोड्स, एक माउंटेन्स की तरफ जाती है और एक फिर जो है, दोनों माउंटेन्स हैं लेकिन एक आई थिंक ज़्यादा ऑफ रोड है और एक जो है वो कुछ थोड़ी असफाल्ट टाइप होगी। तो वहाँ जा के हम लोग डिसाइड करेंगे कितना टाइम हमारे पास है और हम कौन सी रोड लेंगे। तो अभी यहाँ से निकल रहे हैं हम तिपलिनी से। यहाँ पे रात को काफ़ी ज़्यादा पुलिस खड़ी थी, चेक कर रहे थे गाड़ियाँ वगैरह जो इधर उधर से आ रही थी। मुझे कहते हैं इधर नहीं आप जा सकते, इधर चले जाएं। तो मैंने फिर उसी साइड पे ही अपना रूम लिया था। आई थिंक मे बी यहाँ पे भी थोड़ा बहुत होता हो चोरी चकारी का, इस तरह की चीज़ें, लेकिन कोई इतना ज़्यादा मुझे इशू नज़र नहीं आया कि ख़तरनाक महसूस हुआ हो। अभी हम हाईवे से नीचे उतर आए हैं, ये छोटी रोड हमने ले ली है, होपफुली इस पे सीनरी जो है वो अच्छी होगी और हम इंजॉय करेंगे।
ये एरिया मुझे लग रहा है मेनली मुस्लिम है, क्योंकि मुझे अभी जो दो तीन गांव मिले हैं वहां पे हर मेन मस्जिद है। ये भी एक मॉस्क है, बड़ी प्यारी सी है, छोटी सी, और यहाँ के लोग भी अच्छे। मैं सोच रहा हूँ किसी जगह बैठ के वैसे कॉफ़ी पी लें यार, लोग तो अच्छे हैं। वही लेकिन घूर कितने रहे हैं यहाँ पे, लगता है कि टूरिस्ट आता नहीं है। पीछे करके चलते हैं उधर कहीं बैठते हैं यहाँ। वैसे तो कॉफ़ी का टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी खैर है, कोई नहीं, एक तो हो जाए लोकल्स के साथ। देखते हैं कहाँ पे जगह है, उधर बैठते हैं। इधर इधर तो बियर शियर चल रही है, यहाँ पे चल रही है, इधर बैठ जाते हैं। हेलो, डू यू हैव कॉफ़ी हियर? कॉफ़ी या कॉफ़े एक्सप्रेस या विद मिल्क? Let's try. Yeah, yeah, coffee. आपको बैठने की जगह है यहाँ पे के? ये कुर्सी वगैरह थैंक यू। सुबह के तकरीबन 11 बजे है और हर बंदा यहाँ पे बियर पी रहा है, लेकिन बात करने को कोई तैयार नहीं है क्योंकि बहुत डर रहे हैं। ये ऐसे लोग हैं जैसे वो जापान वगैरह में नहीं होता, अगर किसी से बात करनी हो तो अब सारी तरफ हर बंदा मेरी तरफ घूर के देख रहा है कि ये बंदा कैमरे में बैठा बोल क्या रहा है। और एक चीज़, अभी मैंने कॉफ़ी मंगाई है, कॉफ़ी के साथ आप चेक करें कि जो चीनी है उसके दो इतने बड़े बड़े साशे इन्होंने साथ दिए हैं, और दूध बिल्कुल नहीं दिया जिसकी मुझे ज़रूरत। ये लोग पीते ही नहीं है कॉफ़ी के साथ, और मुसलमान विलेज है, लेकिन बियर जो है वो बिल्कुल आम है हर बंदे के पास जो है ना। यहाँ पे तो नहीं मुझे पीछे नज़र आ रही, लेकिन सामने जितने भी हैं वो सारे बियर पी रहे हैं, और 11 बजे का टाइम है, सुबह सुबह स्टार्ट हो गए हैं सारे। Can I pay you in euros? Yeah, so perfect हो गया, वो ला के दे देगी euros को। Thank you. Bye. Hopefully कि अब हम रास्ता ठीक ले रहे हैं, अब हम बिल्कुल छोटे रास्ते की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे जो रोड थी उसको भी हम पीछे छोड़ रहे हैं। बाय बाय। अब हमारे अगले 31 किलोमीटर जो हैं वो इस रोड पे हैं। इस पे ज़्यादा से ज़्यादा आप 30-40, बड़ी मुश्किल से 40 की तरफ जा सकते हो, लेकिन ऑन एवरेज जो है वो 30 के करीब होगी स्पीड। लॉज ये तो स्टार्ट होगी है ऑफ रोड, लेट्स सी कि आज का सफ़र हमारा ऑफ रोड कैसा रहता है। आला 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 आला, व्यूज की बात कर रहा, रोड की बात नहीं कर रहा। वो मेरे ख्याल में सामने जो है ना टॉप है, इस का पास आ रहा है। नहीं नहीं पास नहीं था वो, और आगे है। मुझे लगता है हम इधर गलत आ गए। अच्छा हाँ, ये यहाँ से इधर जाना था पीछे। So I have to look here. Deutschland. Yeah. So I have
सॉरी आई हैव टू गो कानियो कानियो ने हाँ या कानियो ने या फ्रॉम हियर देन द रोड ये या ओके कानियो नो नो आगे ये या ओके थैंक यू ओके या आई विल ट्राई टू फाइंड मुझे लगता है ये गूगल ने किधर भेज दिया हमने एक टर्न जो है यहाँ से गलत ले लिया था इस रोड का मुझे पता ही नहीं चला कि यहाँ पे एक और भी रोड है वो लेनी थी तो हमें गूगल ने कुछ 2-3 किलोमीटर आगे भेज दिया शुक्र है कि उसने ना सीटी मार के मुझे बता दिया कि भाई तू गलत जा रहा है ये रोड दूसरे से बहुत ख़तरनाक है और बड़े बड़े पत्थर हैं इस पे उस पे जीप वगैरह ज़्यादा चलती है इस पे जीप बिल्कुल भी नहीं चलती और तेरे खैर हो जाए यार सो बहुत हार्ड हो गया 2 दफ़ा गिरी है बाइक और एक हल है या तो मैं यहाँ से जो 8-10 किलोमीटर करके आया हूँ वापस जाऊँ या फिर 6 किलोमीटर और आगे है अब मैं एक ट्राई और दे रहा हूँ अगर इस ट्राई में ना हुआ तो बाइक जो है ना फिर वापस कर लूँगा अभी हो सकता है अल्लाह करे कि ये एक सेक्शन कंप्लीट हो जाए हाय लेकिन जो बंदा इसके बाद व्यूज़ आते हैं ना यार ओए होए ये देखें इस पर कोई जीप के ट्रैक नहीं बना हुआ नीचे वाले पे जीप का ट्रैक था वो बड़े आसानी से होगी तो उस पर कोई मसला नहीं था और मैं सोच रहा था कि एटलीस्ट सारा ट्रैक इस तरह का होगा लेकिन अनफॉर्चुनेटली सारा ट्रैक इस तरह का नहीं है नहीं ये नहीं होगा
अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कोई रोड नहीं है, ये सारे पत्थर हैं और आगे कोई जीप का ट्रैक नहीं है। और आई थिंक अगर मैं अपनी किस्मत जो है ना और इस तरह पुश करता रहा ना तो मैं किसी मुसीबत में पड़ सकता हूँ। एक तो मैं सोलो हूँ इसलिए मुझे इस तरह के अब रिस्क नहीं लेने चाहिए, स्पेशली आबादी से दूर। ये बैग जो है ना इसको यार अभी गुजारा करेगा कि नहीं, इसका सेट कर देता हूँ। अब हम अल्लाह का नाम लेके चलते हैं उसी गांव में और वहाँ से गांव के साथ साथ जो रोड चल रही थी उसी गांव से लेते हैं और आगे निकलते हैं। ऑफ रोड यहाँ पे ये बहुत हार्ड है भाई, इसके लिए बंदे को एक तो सामान थोड़ा होना चाहिए और स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए, जो कि दोनों अनफॉर्चुनेटली मेरे पास नहीं है। सामान भी बहुत ज़्यादा है और स्किल भी लिमिटेड सी हैं। फिर बाइक जो है उसकी एक दो चीज़ें तो गई हैं टूट। ये हैंड प्रोटेक्टर जो है ना आप देख रहे हैं राइट साइड पे, वो जो प्लास्टिक का था वो टूट गया। इसके ऊपर जो लगा हुआ था, पर आराम आराम से यहाँ निकलना है। ये मुझे लूज़ रॉक से जो है ना नफरत है। और अब आराम आराम से नीचे उतरो जीप रोड पे। Like I never left that long drive through the Hollywood Hills on sunset, and I would use all my gas money to get to him. You need speed. दोपहर के 3 बजे हैं और मैं सेम उसी जगह पे जहाँ पे मैं स्टार्ट किया था सुबह 9 बजे। और प्लान ये था कि अगर नेविगेशन सब कुछ सही बता रही है तो हम जो है 4 घंटे में बॉर्डर पे पहुँच जाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एडवेंचर में हमेशा प्लान के मुताबिक कुछ भी नहीं होता और आज तो सारा कुछ उल्टा हुआ है। 6 घंटे की ख्वारी के बाद मैं वापस उसी जगह पे आ गया हूँ और अब 270 किलोमीटर और राइड है। तो मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, आज हम बाकी का सफ़र जो है वो करेंगे हाईवे से, क्योंकि अगर मैं दोबारा किसी और चक्कर में पड़ गया, यहाँ रोड्स का पता नहीं चलता कि कौन सी रोड असफाल्ट वाली है और कौन सी रोड नहीं है। मेरे ख्याल में मैं ये समझ रहा था कि जो पीली रोड्स हैं गूगल दिखा रहा वो सारी होंगी असफाल्ट वाली, जो दूसरी हैं वो होंगी ये क्या उसे कहते हैं ऑफ रोड। तो जब मैं सुबह निकला था तो मैं अपनी तरफ से वही पीली रोड्स ले रहा था, लेकिन खैर अभी ये है कि मैंने अभी ब्रेक ली है, अपना लंच वगैरह मंगवाया यहाँ पे, ग्रीक सैलड और कुछ खा पी के खातर तवाज़ा करके उम्मीद ये है कि हम 6:30 बजे के करीब जो है नॉर्थ मैसेडोनिया के बॉर्डर पे पहुंचेंगे। और मेरी बाइक की हालत बहुत ख़राब है, 2-3 चीज़ें जो टूट गई हैं, होपफुली कि कोई मसला नहीं करेगी, किसी न किसी को जाकर दिखाते हैं और देखते हैं कि इसमें से आई थिंक सिर्फ जो है ना कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है, बाकी इसमें से कोई मसला नहीं है अभी तक। Considered picking up a tray as a consolation, as if I was in the wrong, 'cause I didn't wanna be right. अभी मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा क्यों ना यहाँ पे इंटरनेट चेक किया जाए और अपार्टमेंट वगैरह को आसपास में देखा जाए, क्योंकि मैं बॉर्डर से ज़्यादा दूर नहीं हूँ और काफ़ी लेट हो गई है, मैं थकावट भी काफ़ी होगी और मेरा प्लान नहीं कि मैं आज जो है ना बॉर्डर क्रॉस करूँ। तो बंदा अच्छा था तो मैंने कहा चल यार सफाई भी कर दे बाइक को ना, क्लीन कर दे। तो अनफॉर्चुनेटली बाइक ने काफ़ी ज़्यादा हिट ली है, स्पेशली जो गिरी है तो सामने जो है ना मरगाड पे, और कॉस्मेटिक थोड़ी सी एरर्स आई हैं, उसके अलावा एक बैग मेरा जो है वो टूट गया है। और जो साइड पे 2 बैग लगे हैं उनमें से भी मैंने देखा है कि एक की जो है ना वो प्लेट पीछे लगी वो टूटी है, लेकिन कुछ ज़्यादा। और हैंड प्रोटेक्टर सबसे बड़ा चीज़ जो है ना हैंड प्रोटेक्टर इसका जो है ना वो टूट गया है, एलुमिनियम लगी हुई है उसको सीधा पदरा करेंगे कुछ ना कुछ वो जो है ना हाथ को प्रोटेक्शन देगी। तो भी बुक किया है अपना अपार्टमेंट और वहाँ पे चलते हैं, तो बाकी बातें वहाँ जाके होंगी। I
what I was so clearly. It's like I never left. हेलो, ये मेरे ख्याल में मेरे ट्रिप का सबसे एडवेंचरस डे था और मैं सोच रहा था कि इस ऑफ रोड सेक्शन के बाद और फिर 300 किलोमीटर की ड्राइव करके जब मैं पहुंचा हूँ यहाँ पे, तो मैं सोच रहा था कि ये मेरे दिन का अब एंड है, अब आराम से अपने रूम में जाएंगे, रेस्ट करेंगे और कल से नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे। लेकिन एक एडवेंचर और मेरा इंतज़ार कर रहा था। मैं नॉर्मली जब भी रूम वगैरह बुक करता हूँ तो शाम के टाइम बुक करता हूँ और booking.com या Airbnb यूज़ करता हूँ। तो मैंने Airbnb से देखा एक अच्छा अपार्टमेंट मिल रहा था और वो लोकल फैमिली के साथ था। और जब मैं उस अपार्टमेंट में पहुँचा हूँ, एड्रेस वगैरह मैंने नेविगेशन में डाला और ड्राइव करके पहुँचा हूँ, तो उधर अपार्टमेंट था ही नहीं। मुझे थोड़ा सा हुआ कि यार एड्रेस तो यही है, शायद मैं गलत जगह पे पहुँच गया हूँ। तो साथ एक कॉफ़ी बार था, मैं वहाँ पे गया हूँ। वहाँ पे मैंने लोकल से बात कर उसे कहा कि यार अगर आप इस नंबर पर कॉल कर दें। उस बंदे ने एक नंबर पे कॉल की, तकरीबन 15-20 मिनट उससे बात करता रहा कि पता नहीं किस चीज़ पे लगे थे। फिर उसने मुझे दिया कि ये बंदा है। वो कहता ठीक है, आप 5 मिनट बैठे इधर कैफ़े पे, मैं आ रहा हूँ। मैंने तकरीबन वहाँ पे घंटा इंतज़ार किया और वो बंदा घंटे बाद आया और ड्रंक काफ़ी ज़्यादा था माशाल्लाह वो भी। और उसने फिर कहा कि अच्छा वो अपार्टमेंट में ये है कि वो मुझे, मेरे पास इंटरनेट नहीं था, मुझे पता नहीं चला, तो इस तरह करते हैं कि मैं इधर तुम्हें ना एक होटल में ले जाता हूँ। मैंने कहा ठीक है, आप वो ले जाएं, उधर ले जाएं अगर उधर जगह है तो। वो एक शेडी से होटल टाइप में लेके गया और मैंने कहा कि यार इस होटल में तो मैं नहीं स्टे कर रहा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस दिन तो मेरा सामान समून जो है ना वो चोरी हो सकता। फिर कहता है कि अच्छा ठीक है कोई नहीं, मेरे पास ना माउंटेन्स में इधर 3-4 अपार्टमेंट हैं, तो हम उनमें से किसी में चले जाते हैं। मैंने कहा रात के अब बज गए हैं 10, रात के 10 बजे मैं एक ड्रंक अल्बानियन के साथ जो मुसलसल टेलीफोन पे है माउंटेन्स में जाऊं और वो देख रहा है कि इसके पास सामान भी हैं और जर्मन नेशनैलिटी है तो इसके पास पैसे तो होंगे। मैंने कहा कि भाई मैं तो तेरे साथ माउंटेन्स की तरफ जा नहीं रहा, और तुम ये करो कि अपार्टमेंट जो है ना कैंसिल कर दो, मैं कहीं आगे जाता हूँ। उसने थोड़ा बहुत जो है ना ज़ोर शोर लगाया कि नहीं नहीं कोई नहीं, मैं तुम्हें इधर ले जाता हूँ। मैंने कहा कि भाई इससे पहले कि अपने आप को जो है ना किसी मुसीबत में डालो, यहाँ से निकलो। रात के 10 बजे फिर मैंने ड्राइव की हाईवे के साथ तकरीबन आधा घंटा और देखा कि एक मोटल देखा, वहाँ पर आके मैंने इसके बात की कि भाई अब रूम वगैरह है तो दो। उस यहाँ पे मुझे अच्छा रूम मिल गया, 20 यूरो नॉर्मल पे करता हूँ, तो 20 यूरो में ही उसने मांगी 20 यूरो। मैंने कहा ठीक है जी, इधर नाइट स्टे करते हैं। और अच्छी बात यह कि इसके साथ एक अच्छा सा रेस्टोरेंट भी था, तो वहाँ से मैंने अच्छी तरह दबा के फ़िश वगैरह खाई है, क्योंकि ये लोकल इनके साथ दरिया वगैरह गुजरता है। नॉट श्योर कि वो लोकल फ़िश थी कि नहीं, लेकिन मैंने तो उसे कहा था कि यार जो लोकल वगैरह है। कल जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे, मैसेडोनिया की तरफ जाएंगे। होपफुली आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया, और अगर पसंद आया तो लाइक का बटन दबाना ना भूलेगा। और आप लोगों से मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।